गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11, वेलकम टू टीएसएन स्कूल। मैथ्स में अपन एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था। सो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेट्स हमने देखे थे ना, उससे प्रीवियस क्लास में हमने सेट्स क्या होते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती है वो हमने पढ़ी थी। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने किस किस टाइप के सेट्स पढ़े थे। सबसे पहला करूंगी। सो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। प्राइस तक क्या अपन कर चुके हैं, वो एक्सरसाइज 1.1 के रिगार्डिंग थे। सो अब अपन देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मुझे बताना है कि इनमें से कौन-कौन से सेट्स फाइनाइट हैं एंड कौन-कौन से सेट्स इनफाइनाइट हैं। सबसे फर्स्ट है x such that x belongs to n। x किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर्स को। एंड करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, तो इसका सलूशन मैं निकाल लेती हूँ। एक्स माइनस
drawings are true for the following given pairs of cells. इसी तरह से ये देखिए, which of the following example number A, which of the following pair of sets are equal? First मुझे दे रखा है x, x का दे रखा है the set of letters in alloy and B में वो दे रखा है the set of letters in loyal. तो alloy में क्या क्या letters आए हैं? A, L, O and Y. A, L, O and Y ना comma लगा के curly brackets में मैंने इस set के elements को roster form में लिख दिया है. B में L O Y A, L वापस रिपीट हो रहा है तो मैं नहीं लिखूंगी ना, रिपीटेड एलिमेंट्स हम सेट में नहीं लिखते. तो यहाँ से देखो, इसमें भी A है, इसमें भी A है, यहाँ L है, यहाँ L है, यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ Y है, यहाँ भी Y है. इक्वल एलिमेंट्स हैं दोनों में, 4 4, एंड सेम एलिमेंट्स हैं दोनों में. क्या एलिमेंट्स आए हैं? A, L, O एंड Y. इसीलिए एक्स किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड देखते हैं. सेकेंड जो क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है एन, एन बिलोंग करेगा इंटीजर को एंड एन स्क्वायर इज लेस देन 4. मतलब ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए. तो मैं देखती हूँ, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है? 9, विच इज नॉट लेस देन 4, तो माइनस थ्री नहीं आएगा. माइनस टू के स्क्वायर क्या कर दो भाई, जब माइनस थ्री का स्क्वायर ही 9 आ रहा है तो माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा, उस पर मैं बात ही नहीं करूंगी. माइनस 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4, जो कि इक्वल है. माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1, जो कि लेस देन 4 है. 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0, विच इज अगेन लेस देन 4. 1 का स्क्वायर इज 1, विच इज लेस देन 4. देन 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4, विच इज इक्वल्स टू 4. एंड 3 का स्क्वायर आएगा 9, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4. तो मेरे को वो इंटीजर्स, वो z चाहिए मुझे, वो इंटीजर्स चाहिए जिनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा हो. तो क्या क्या इंटीजर्स होंगे मेरे? -2, -1, 0, 1 एंड 2. बिकॉज यही वो इंटीजर्स है जिनका स्क्वायर या तो 4 आ रहा है या फिर 4 से छोटा आ रहा है. दीज आर द ओनली सेट ऑफ इंटीजर्स. देन बी सेट कहता है x such that x belongs to R and x square minus 3x plus 2 is equal to 0. यानी x रियल होना चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देगा. तो इस इक्वेशन को मैं देख लेती हूँ. इस इक्वेशन में मैं वापस वही करूंगी, ऐसे दो नंबर माइनस 3x की स्प्लिटिंग करूंगी. बिकॉज माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3x एंड माइनस 2x इंटू माइनस 2x, माइनस माइनस इज प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर. तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेती हूँ x और इन दोनों में से कॉमन लेती हूँ माइनस 1, यहाँ से x कॉमन लिया x माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2. तो b का सेट आया मेरे पास 1 कॉमा 2. अब a सेट में तो कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं. b सेट में 2 एलिमेंट्स हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है तो अपन वैसे भी कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b. अब इसमें 0 आ रहा है लेकिन इसमें 0 भी नहीं आ रहा है, इसमें माइनस 2 है, इसमें भी नहीं है, एंड देन इसमें माइनस 1 है जो सेट b में नहीं है. तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b. सो आई होप सो कि एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए होंगे. एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आप एक्सरसाइज को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट.